और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सिलसिला हमारा पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, आप सब लोग पूरे स्टाफ की मदद से इस सिलसिले को जारी रखोगे। हम सब मिलके एक अहद करना चाहते हैं, हम सब मिलके पूरा स्टाफ, पूरे स्टूडेंट्स एक आजम करना चाहते हैं कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को, जो आपके सामने लिखा गया है बेटा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लुआंग, इसको हम सब मिलके बुलंदियों की तरफ ले जाएं। हमारा महकमा तालीम जो एक बड़ा महकमा है, उसमें हमारा नाम सबसे ऊपर हो, यह मैं उम्मीद करता हूं, यह मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस इंस्टीट्यूशन के नाम को बनाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखोगे। अब टाइम हमारे पास कम होता जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर, 3.5 महीने का टाइम हमारे पास है। इन 3.5 महीनों में मैक्सिमम फंक्शंस भी हमारे हो चुके हैं। अब इन 3 महीनों के अंदर हमें जी जान से मेहनत करनी है, हमें एकेडमिक साइड को काफी स्ट्रांग बनाना है ताकि आने वाले जो एग्जाम हैं, जो मार्च 2024 में होंगे, जो हमारे एनुअल एग्जाम होंगे, उनके नतीजे जो हैं बहुत ही अच्छे हों, ये मेरी कामना है। मैं आशा करता हूं, पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप इसमें सफल होंगे। आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपके पास बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, काफी इंटेलिजेंट लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स आपको मिले हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप खुशकिस्मत हो, हमारे पास पीजी टीचर्स भी हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आपसे उम्मीद मुझे यही होनी चाहिए कि आप पूरा फायदा उठाओ। जो हमारा स्टाफ यहां पे पोस्टेड है, उनका पूरा फायदा आप उठाओ ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं उम्मीद रखता हूं आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हो, अपने दिमाग में बिठा रहे हो कि ये वो वक्त है जो एक बार हाथ से चला जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा, और जिसके हाथ से वक्त चला जाएगा वो हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए पछताएगा। इसलिए जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। अब जो भी 3 से 5 महीने, 2 महीने छुट्टियों के, 3 महीने पढ़ाई के, ये जो बच्चे हैं, पूरी तरीके से अपने तन मन के साथ ये पढ़ाई पे लगा दें ताकि आने वाले दिन उनके लिए खुशहाल हो। एक बात मैं और करना चाहता हूं, बेटा आपने देखा हमारे स्टाफ में कितना इत्तेफाक है, कितना भाईचारा है, आप देख रहे हो। मैं समझता हूं आप बच्चों में भी बहुत भाईचारा है, इस भाईचारे को हमने कायम रखना है। वही स्कूल तरक्की करता है, वही इंस्टीट्यूशन तरक्की करता है जहां पे यूनिटी होती है। यहां पे यूनिटी है, वही इंस्टीट्यूशन तरक्की करता है। अगर आप यूनिटी रखोगे, सब लोग मिलके चलोगे, अपना भाईचारा कायम करोगे, मैं अपने स्टाफ की तरफ से पूरी गारंटी देता हूं कि हमारा स्टाफ में इतनी यूनिटी है। आपने देखा 15 अगस्त के दिन बहुत मुबारकबाद दी गई हमें, हम लोगों को पब्लिक की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी हमें बड़ी मुबारक दी गई कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो है लुआंग हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। तो मैं आशा करता हूं, पूरी उम्मीद रखता हूं
कि जो यूनिटी स्टाफ के अंदर आपको देखने को मिल रही है, कैसे उस दिन भी 15 अगस्त के दिन पूरा स्टाफ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरे तन मन के साथ लगा था, वैसे ही बच्चे भी ऐसे ही अपना प्रदर्शन जो है वो करते रहे। ज्यादा मैं ना कहता हुआ, क्योंकि टीचर्स डे का लाइव जो है वो हमारी आईसीटी लैब में चल रहा है, हमने बच्चों को लाइव भी दिखाना है, हमने भी देखना है। श्रीनगर से तथा जम्मू से सीधा प्रसारण चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो अब इसके बाद मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं। इंचार्ज प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल लुआंग, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के दिन हमने अपने इंस्टीट्यूशन में टीचर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया। स्टूडेंट्स ने आज क्लासें ली पूरे तरीके से, पूरी रस्म और रिवाज के साथ, जो कि हमारा पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और यहाँ पे एक रंगारंग प्रोग्राम जो है वो विद्यार्थियों ने पेश किया। अपने सभी टीचर्स को उन्होंने सराहा। आज इस स्कूल के अंदर आईसीटी लैब में, जो हमारे जम्मू में माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता में, वहाँ पे एक प्रोग्राम जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है टीचर्स भवन जम्मू में, उसका सीधा प्रसारण जो है वो हमने अपने इंस्टीट्यूशन में आईसीटी लैब में अपने बच्चों के साथ, अपने स्टाफ के साथ दिखाया। आज के दिन मैं एक बार फिर पूरे टीचर बरादरी को, खासकर अपने जोन की पूरी टीचर बरादरी को, पूरे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।